बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक लाजवाब खाने की रेसिपी लेकर आए हैं जो आपके ज़ुबान पर एक मज़ेदार जायका छोड़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम दिलचस्प और मुनफरद तवा बर्गर तैयार करेंगे। ये रेसिपी इतनी लजीज है कि सिर्फ खाने में नहीं बनाने में भी आपको मजा आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन डालकर गरम करें और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल। जब मक्खन गरम हो जाए उसमें 3 से 4 लहसुन के क्लोव्स डाल दें। लहसुन का जादू और मक्खन की खुशबू, बस ये तो शुरुआत है। इसमें 1 चॉप्ड अनियन शामिल करें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इसके बाद 1 चॉप्ड कैप्सिकम, 3 मिनट तक के पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 मीडियम चॉप टोमेटोज ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका, अब इसे सॉफ्ट करने के लिए 3 मिनट तक हल्की आंच पर पका लें। अब एपेटाइजिंग कलर के लिए ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और इसके साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। बर्गर के चटपटे फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दें और इसके साथ 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी। और फिर आता है टेस्ट का जबरदस्त ट्विस्ट, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इन्हें डालें और मिलाकर पका लें। अब हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन क्यूब्स और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद हमें इसे 2 मिनट तक कवर करके पका लेना है। फिर आता है चीज का मैजिकल मोमेंट, 1 कप मोज़रेला चीज डालकर हल्की आंच पर मिलाकर पकाएं। अब हमारा डिलीशियस फिलिंग तैयार है। अब हमें बर्गर्स बन लेने हैं और इसे बीच में से कट कर लेंगे, लेकिन ध्यान से हमें बन को पूरा कट नहीं करना है। अब इस डिलीशियस फिलिंग को बन पर डालकर आपके बर्गर की बुनाई तैयार है। अब हम एक तवा लेकर उसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा धनिया डालकर इसे मिला लेना है। अब हमें बर्गर्स को लो फ्लेम पर चारों साइड से रोस्ट कर लेना है। तो हमारा मजेदार तवा बर्गर तैयार है। तो क्यों ना आज ही इस डिलाइटफुल रेसिपी को तैयार करें और आपके टेस्ट बर्ड्स को खुशी से भर दें। ये तवा बर्गर रेसिपी आपके और आपके फैमिली के लिए परफेक्ट है। जायका कुकर का और तारीफ आपकी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मजीद मजेदार रेसिपी एक्सप्लोर करें। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। खुश रहिए, खाना खिलाइए और जायके से जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।